हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरुआत कर रहे हैं 9 सीबीएसई का फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है मोशन। तो चलिए इस चैप्टर को हम शुरुआत करते हैं और कुछ छुटपुट डेफिनेशंस देखते हैं। जैसे सबसे पहले डेफिनेशन दिया है रेस्ट। तो अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। तो बॉडी जब अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है आजू बाजू के सराउंडिंग्स, जैसे वॉल्स हो गए वगैरह वगैरह हो गया, ठीक है, तब हम बोल सकते हैं द बॉडी इज एट रेस्ट। तो एक सिंपल एग्जांपल दिया है, अ बुक केप्ट ऑन अ टेबल इज एट रेस्ट। ओके, अब हमारे पास आता है इसका सेकंड डेफिनेशन। वो कहता है व्हाट डू यू मीन बाय मोशन। तो मोशन के बारे में सिंपल चीज है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन If it changes its position with respect to the surrounding, okay? तो यहां पर अभी आपने देखा rest और motion का definition। Motion का एक simple example दिया है, a car moving on a road is in motion। तो ये दो छोटे simple definition थे rest and motion के। अब हम देखते हैं एक बहुत ही ज्यादा important concept, ठीक है? Question आता है, rest and motion are relative terms. Justify. तो आप देख सकते हैं यहां पे हम देख रहे हैं rest and motion are relative terms. Okay? तो ये क्या चीज होती है? इसे हम सबसे पहले example से समझते हैं। तो आप example में आप यहां देख सकते हैं, ठीक है? एक person है, ठीक है? वो फिलहाल एक rest पे है और वो अपने एक friend को see off करने के लिए आया है। अब उसकी bus भी rest पे है, मतलब उसका फ्रेंड भी रेस्ट पे है और बस भी रेस्ट पे है और आजू बाजू का जो सराउंडिंग है, तो सराउंडिंग के तौर पे मैंने बनाया है ट्री। तो ट्री भी अब आप देख सकते हैं, ऑब्वियस बात है वो तो रेस्ट पे रहेगी। तो इस पर्सन के हिसाब से, ठीक है, ट्री भी रेस्ट पे है और इस पर्सन के हिसाब से अभी फिलहाल बस भी रेस्ट पे है, ठीक है? तो अभी सब कुछ नॉर्मल है, पर जब ये बस आगे मूव करेगी तो जो उसका फ्रेंड था, ठीक है, उसको तो उस बस आगे जाते हुए दिखेगी, यानी मोशन में दिखेगी, पर जो उसका फ्रेंड बस में बैठा है उसके लिए जो आसपास के सराउंडिंग्स है जैसे ट्रीज और बिल्डिंग, वो मोशन में आ जाएंगे। यानी अगर बस आगे जाएगी तो ट्रीज और बिल्डिंग्स पीछे जाएंगे, ठीक है? तो और अगर हम एक और चीज देखें, वही ट्रीज और बिल्डिंग जो उसके दोस्त के लिए मोशन में थी, इस पर्सन के लिए वही ट्रीज और बिल्डिंग कैसे रहेंगी? रेस्ट पे। तो लॉजिक है, अगर हम मोशन में रहे तो सब कुछ मोशन में रहेगा और अगर हम रेस्ट पे रहे तो हमारे आसपास की जो चीजें हैं ना, ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, वो भी रेस्ट पे रहेंगे, ठीक है? तो ये थे सिंपल चीज में। तो यहां लिखा था अ बॉडी मे बी एट रेस्ट रिलेटेड टू वन सराउंडिंग ऑब्जेक्ट एंड एट द सेम टाइम दैट बॉडी मे बी इन मोशन रिलेटेड टू सम अदर ऑब्जेक्ट। ओके, तो एक सिंपल कंसेप्ट है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड टर्म्स। अगर हम रेस्ट पे है तो हमारे लिए बहुत सारी चीजें रेस्ट पे होगी और अगर हम मोशन में है तो हमारे लिए आसपास के सराउंडिंग भी मोशन में होंगे। तो ये था दोस्त सिंपल कंसेप्ट, डेफिनेशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोशन। पहला है ट्रांसलेशनल या ट्रांसलेटरी, दूसरा मोशन है रोटेशनल या रोटेटरी मोशन और थर्ड मोशन है ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। तो चलिए हम इन तीनों मोशंस को डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं ट्रांसलेशनल एंड ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, तो यहां पर क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ मोशन, ठीक है, अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और कर्व पाथ। तो जब भी बॉडी स्ट्रेट लाइन या कर्व पाथ पे मूव हो रही है, ठीक है, तो हम ऐसे प्रकार के मोशन को ट्रांसलेशनल या ट्रांसलेटरी कहते हैं। ओके, वेयर एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी हैज सेम डिस्प्लेसमेंट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर उस बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं
तो बॉडी जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी उतने ही डिस्प्लेसमेंट सारे पार्टिकल्स भी कवर करेंगे इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, तो ऐसे मोशन को जब भी बॉडी सीधा चले स्ट्रेट पाथ पर या कर्व पाथ पर, तो हम ऐसे मोशन को कहते हैं ट्रांसलेशनल या ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, ट्रांसलेटरी या ट्रांसलेशनल मोशन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेक्टिलिनियर मोशन। तो अभी हमने कहा जब भी बॉडी आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी तो हम ऐसे मोशन को कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। तो एग्जांपल के तौर पे अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है। और दूसरा ट्रांसलेशनल या ट्रांसलेटरी का दूसरा टाइप होता है कर्विलिनियर मोशन। तो जब भी आपकी बॉडी कर्व पाथ में ट्रैवल कर रही है तो हम ऐसे मोशन को कर्विलिनियर मोशन कहेंगे। ओके, तो ये था ट्रांसलेशनल या ट्रांसलेटरी मोशन। चलिए अब हम चलते हैं सेकेंड टाइप ऑफ मोशन में। ओके, तो सेकेंड टाइप ऑफ मोशन है रोटेशनल या रोटेटरी मोशन। तो इस मोशन में द टाइप ऑफ मोशन इन विच द डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, उस बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स है दे स्टार्ट रिवॉल्विंग इन अ सर्कल अराउंड द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जो एक कॉमन एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है तो सारे पार्टिकल्स जो है उसी के इर्द गिर्द गोल घूमते रहते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा होता है तो हम ऐसे मोशन को कहते हैं रोटेशनल मोशन। ओके, तो एग्जाम्पल में दिया है द मोशन ऑफ अ स्पिनिंग टॉप, भवरा जिसे कहते हैं। ओके, और दूसरा है द मोशन ऑफ द ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन। तो आप देख सकते हैं जो फैन होते हैं, फैन के जो ब्लेड्स होते हैं वो एक कॉमन एक्सिस यानी जो सेंट्रल रॉड होता है जिस पर आपका फैन जो है वो टंगा हुआ रहता है, ठीक है। तो ब्लेड्स उस कॉमन एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, इसीलिए हम मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ फैन को टर्म देते हैं रोटेशनल या रोटेटरी मोशन। ओके, तो ये था सेकेंड टाइप ऑफ मोशन। अब हम देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ मोशन, दैट इज ऑसिलेशनल या ऑसिलेटरी मोशन, या हम इसे वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। तो द टाइप ऑफ मोशन इन विच द बॉडी परफॉर्म्स सेम टाइप ऑफ मूवमेंट रेपिटेडली, बार बार वही मूवमेंट कर रहे हैं अलोंग द सेम पाथ, उसी पाथ पर बार बार मोशन रिपीट किया जा रहा है इन अ फिक्स्ड टाइम, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेशनल या वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। तो सिंपल एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं, सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिया है द मोशन ऑफ अ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक। तो आपने देखा होगा जो क्लॉक का पेंडुलम रहता है वो कंटिन्यूअसली उसी पाथ पे बार बार, ठीक है, इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम वो चलता रहता है, मूवमेंट करता रहता है। इसी तरह से जब हम कभी राइड्स पे जाते हैं जैसे कोलंबस हो गया या ड्रैगन हो गया, तो आप देखते होंगे वो भी राइड एक पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है, सेम पाथ पे वो मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे मोशन को कह सकते हैं ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी। और दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है द नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन, ठीक है। तो ये थे हमारे एग्जांपल्स, या ये हम कह सकते हैं ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। तो एक बार फिर से कह दूं, तीन तरह के मोशंस होते हैं। नंबर वन दैट इज ट्रांसलेशनल या ट्रांसलेटरी, जो खुद दो प्रकार के होते हैं, रेक्टिलिनियर या फिर कर्विलिनियर। दूसरा टाइप ऑफ मोशन था रोटेटरी या रोटेशनल मोशन, और थर्ड टाइप ऑफ मोशन था ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस जो डील करता है नेचर और उसके नेचुरल फिनोमेनन से बाय ऑब्जर्विंग, एक्सपेरिमेंटिंग या फिर मेजरमेंट द्वारा। ओके, तो फिजिक्स में जो भी क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो जैसे हम यहां देख सकते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हमें देखना है। तो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में यहां लिखा हुआ है एनी मेजरेबल क्वांटिटी। तो फिजिक्स में जो भी क्वांटिटीज हम मेजर कर सकते हैं ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो चलिए अब हम देखते हैं उसके टाइप्स।
ठीक है। तो 9th स्टैंडर्ड तक या 10th स्टैंडर्ड तक हमें सिर्फ दो ही टाइप पढ़ाए गए हैं, ठीक है, दैट इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटीज। बट हायर क्लासेस में जब आप जाओगे तो इसकी और एक क्वांटिटी होती है, टेंसर क्वांटिटी। ओके, तो अभी अपन 9th से रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं सिलेबस से, तो हमें सिर्फ दो ही प्रकार की क्वांटिटीज पढ़नी है, तो एक है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी है वेक्टर क्वांटिटीज। तो चलिए हम इनको डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुपिंग के फॉर्मेट में देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं द फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटीज, मतलब वो क्वांटिटी एक भी हो सकती है या एक से ज्यादा भी हो सकती है। सो द फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटीज विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब उसको मेजर करने के लिए सिर्फ वैल्यू की जरूरत है, ठीक है, एंड नॉट द डायरेक्शन। तो सिर्फ उसको मेजर करने के लिए डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए, ठीक है। फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी या क्वांटिटीज, ठीक है। तो जो भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए सिर्फ वैल्यू चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड ना कि डायरेक्शन, ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। ओके, अब वही हम देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी का पहला पॉइंट। तो वेक्टर क्वांटिटी का पहला पॉइंट कहता है the physical quantity quantities which requires both magnitude भी और direction भी। तो यहाँ पर value के साथ साथ हमें उसका direction भी है मालूम लेना चाहिए, ठीक है। For the complete description are called vector quantity या quantities, okay? तो जिस quantity में सिर्फ magnitude लगता है उसे हम scalar quantity कहते हैं, और जिस quantity में magnitude के साथ साथ direction लगता है हम उसे vector quantity कहते हैं। Okay, तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, तो हम स्केलर क्वांटिटी में हम डील करेंगे डिस्टेंस, स्पीड, टाइम। अब टाइम के बारे में मैं ये बोलूंगा कि देखिए हमें जब हम किसी से पूछते हैं कि कितने बज रहे हैं, ओके, तो हम टाइम कैसे बता रहे हैं कि हाँ इतना बज गया है, 6 बज गया है, 5 बज गया है, ओके, सो एंड सो। तो क्या हम कभी ऐसा सुने हैं कभी कि अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं इन द वेस्ट डायरेक्शन? देखिए यहां पर सिर्फ वैल्यू की जरूरत है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए टाइम कम्स अंडर स्केलर क्वांटिटी, जहां पर सिर्फ उसे मैग्नीट्यूड लगता है ना कि डायरेक्शन। मास भी आता है, ठीक है, माय मास ऑफ द बॉडी इज 40 केजी। तो देखिए मैं सिर्फ उसका वैल्यू बता रहा हूं ना कि डायरेक्शन, हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे माय मास ऑफ बॉडी इज 40 केजी इन द साउथ डायरेक्शन, ओके, हम ऐसा कभी नहीं बोलते। तो मास कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी हम सिर्फ वैल्यू की बात करते हैं। अगर हमें मान के चलिए हम कोई बीमार है, ठीक है, और हमने थर्मामीटर से बॉडी का टेम्परेचर निकाला है, मेजर किया है, तो हम कभी ऐसा नहीं बोलते ना कि हमें 101 डिग्री का बुखार हुआ है ईस्ट डायरेक्शन में, ओके, हम सिर्फ वैल्यू बताते हैं। तो टेम्परेचर ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। और यहां पर लास्ट मैंने लिया है एरिया, वॉल्यूम और बहुत सारी क्वांटिटीज आती है। तो जो भी क्वांटिटीज को सिर्फ मैग्नीट्यूड लगता है ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्केलर। अब हम वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल देखते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल्स में आप देख सकते होंगे जैसे यहां डिस्टेंस था तो वहां डिस्प्लेसमेंट है, यहां स्पीड है तो वहां वेलोसिटी है, और वहां एक और नई चीज है एक्सेलरेशन, ठीक है, देन फोर्स। अब हम बॉडी पे देखिए अगर मान के चलिए धक्का लगा रहे हैं तो हमें ये भी पता रहना चाहिए हमें कितने वैल्यू का धक्का लगा रहे और कौन से डायरेक्शन में लगा रहे। अगर मैं मान के चलिए बॉडी को राइट हैंड साइड पे धक्का लगा रहा, तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी राइट हैंड साइड मूव हो सकती है, ठीक है, ये हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। देन मोमेंटम है, ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, और वेट, ठीक है। तो मैं अगर अपना वेट बताना चाहूं तो मैं ऐसा बोलूंगा माय वेट इज सो एंड सो न्यूटन। आई रिपीट, मास होता है केजी में, ठीक है, और वेट होता है न्यूटन में। तो हम कभी भी किसी को वेट बताते वक्त ऐसा बोलेंगे माय वेट इज सो एंड सो न्यूटन, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, डेफिनेटली हम एक चैप्टर में पढ़ेंगे। माय वेट इज सो एंड सो न्यूटन एंड इट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पर हम वैल्यू के साथ साथ क्या देख रहे हैं उसका डायरेक्शन, इसीलिए वेट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये था, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है,
स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। आगे चल के 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड में आप लोग एक और क्वांटिटीज से मिलोगे जिसका नाम था टेंसर क्वांटिटीज, ठीक है, तो वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये था स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज, दीज आर द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। सो स्टूडेंट्स, हमें इस चैप्टर में टोटल 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखने हैं जिनके नाम है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ओके, तो आज हम सबसे पहले इस लेक्चर में देखते हैं व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मेट में रखा है ताकि कल चल के अगर शॉर्ट नोट भी आ जाए तो आप या तो लेफ्ट या राइट के वो पॉइंट्स को भी लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले डिस्टेंस का सिंबल होता है एस, स्मॉल एस, जबकि डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है स्मॉल एस बट विद द एरो साइन, ठीक है। ये एरो साइन डिनोट करता है दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे आप देख सकते हैं डिस्टेंस के बारे में लिखा है इट इज द एक्चुअल पार्ट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ठीक है, फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो बॉडी जब एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट कर रही है और वो एंड पॉइंट तक जा रही है और जो एक्चुअल पाथ वो ट्रेवल कर रही है, अगर मान के चलिए सीधा रोड है तो सीधी जा रही है, अगर टेढ़ी गली आ गई तो टेढ़ी मुड़ रही बॉडी, ठीक है, अकॉर्डिंगली जैसा भी है, ठीक है। तो जो भी एक्चुअल पाथ बॉडी ट्रेवल करती है हम उसे कहते हैं डिस्टेंस। पर अगर आप यहां देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिखा है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और द स्ट्रेट लाइन पाथ ड्रॉन फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन। तो बस अभी हम थोड़ी देर में इसका एक ऑफिशियल एग्जाम्पल भी देखेंगे, पर अभी ये दोनों को एक बार फिर से देख लीजिए। डिस्टेंस जो था दैट वॉज एक्चुअल पार्ट ट्रेवल बाय द बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशन, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ओके, तो अब हम इनके एग्जाम्पल एक सिंपल वाला देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहां से मुंबई जाना है बाय ट्रेन, तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम बाय ट्रेन से जाएंगे तो जैसे जैसे ट्रैक होगी, ठीक है, कहीं बेंड होगी कहीं स्ट्रेट होगी या जैसे भी होगी, तो ट्रेन अपने ही ट्रैक से जाएगी, वो कहीं से कोई शॉर्टकट नहीं लेगी। तो ट्रेन ट्रैवल्स एक्चुअल डिस्टेंस। ओके, जबकि अगर अपन मुंबई जाने के लिए बाय एरोप्लेन जाए तो आप देख सकते हैं हमें मुंबई पहुंचने के लिए मात्र 1 घंटा लगता है अप्रोक्स, ठीक है। तो यहां क्या होता है आपका जो प्लेन है एरोप्लेन जो है वो सिलेक्ट करता है इनिशियल पोजीशन और वो सिलेक्ट करता है डायरेक्टली फाइनल पोजीशन। तो सीधा देखिए टेक ऑफ से लैंडिंग तक इट ऑलमोस्ट ट्रेवल्स अ स्ट्रेट लाइन, मतलब प्लेन एरोप्लेन जो है वो कवर कर रहा है डिस्प्लेसमेंट एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कि हम 1 घंटे में पहुंच जा रहे हैं, जबकि ट्रेन से अगर हम यही सफर तय करें तो हमें लगते हैं 12 से 13 घंटे, ठीक है, क्योंकि ट्रेन एक्चुअल पार्ट ट्रैवल कर रही है, ट्रेन डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है जबकि एरोप्लेन डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है। तो एक बहुत सिंपल एग्जांपल था, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट, डिस्टेंस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब हम आते हैं इसके कॉमन पॉइंट। ध्यान रहे जो थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है इट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन, ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन में ये पॉइंट आपको नहीं लिखना है। हाँ, अगर इन दोनों का शॉर्ट नोट्स आता है ओके तब आपको ये थर्ड पॉइंट मेंशन करना होगा, ठीक है। आई रिपीट, थर्ड पॉइंट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन। तो इसका कॉमन पॉइंट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का CGS unit. Now what do you mean by CGS? तो CGS is a system of unit. मतलब full form है centimeter, gram and second. Okay? तो its CGS unit is centimeter. तो distance और displacement का छोटा unit होगा centimeter. ठीक है?
denoted by symbol cm, small cm, and its SI unit. SI means it is the international system of unit. ठीक है, तो SI unit में distance और displacement का unit होता है meter, denoted by small m. ठीक है, तो ये था common point between distance and displacement. चलिए अब हम देखते हैं distance का fourth point. Distance is always positive. ठीक है, distance हमेशा positive होता है. अगर मान के चलिए यहाँ से मेरा घर 5 किलोमीटर दूर है, तो मैं कभी किसी को ऐसा नहीं कहूंगा कि मेरा घर -5 किलोमीटर दूर है. ठीक है, मैं कोई अंडरग्राउंड से तो नहीं आया हूं कि जो मैं -5 किलोमीटर बोल रहा हूं. इसीलिए हम डिस्टेंस को कभी भी पॉजिटिव ही बोलते हैं. जबकि डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव ऑल्सो, इट में भी नेगेटिव ऑल्सो, एंड इट में भी जीरो ऑल्सो. तो जैसे जैसे हम चैप्टर को आगे प्रोसीड करते जाएंगे, हम इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सीखते जाएंगे कि कैसे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, या फिर जीरो होता है. ओके, अब हम आते हैं डिस्टेंस के फिफ्थ पॉइंट पर. तो डिस्टेंस का फिफ्थ पॉइंट कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशंस मे बी सेम और डिफरेंट. ओके, फॉर द डिफरेंट पाथ चोजन. मान के चलिए मैं अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता, मतलब वही जाने मुझे, पर मैं दूसरे रास्ते से जा रहा हूं, तो हो सकता वो जो दूसरा रास्ता है उसका डिस्टेंस, ठीक है, पहले वाले डिस्टेंस के बराबर हो, या कम भी हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है. ओके, रिपीटिंग वंस अगेन, अगर मान के चलिए मैं कोई डेस्टिनेशन पे जा रहा हूं और अगर मैंने कोई दूसरा रास्ता अपनाया उसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, तो वो जो डिस्टेंस है दूसरे रास्ते का, वो डिस्टेंस सेम भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, या बड़ा भी हो सकता है. इसलिए हमने लिखा है डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस मे बी सेम और डिफरेंट फॉर डिफरेंट पाथ चोजन. जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है बिटवीन द टू पॉइंट्स इज ऑलवेज द सेम. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का हमने डेफिनेशन में कहा था, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या और अ स्ट्रेट लाइन पाथ. तो कभी भी कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम रहेगा, वो कोई डिफरेंट नहीं होगा. ठीक है, तो दिस वॉज द डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मेट. इवन आप इस फॉर्मेट को एज अ शॉर्ट नोट भी पढ़ सकते हैं. तो इस चैप्टर के हमारे सबसे पहले दो कंसेप्ट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो इसे बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है. नाउ अब हम यहां पर देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. तो क्वेश्चन है, विद अ सूटेबल एग्जांपल एक्सप्लेन द टर्म डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो यहां पर अब हम देखने जा रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा डिटेल में. ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहां पे केस वन लिखा है. तो केस वन के बारे में लिखा है, कंसिडर बॉडी मूविंग एज शोन इन द फिगर. ठीक है, और उसमें हमने तीन पॉइंट्स कंसिडर किए. तो सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं. तो हमने डायग्राम आप देख रहे होंगे ट्रायंगुलर फॉर्मेट में बनाया है. पॉइंट ए इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड पॉइंट बी इज द पॉइंट. ठीक है, आफ्टर सम टाइम यानी कुछ देर बाद बॉडी आपकी वहां पे पहुंच जाएगी. तो ए से बी की दूरी यहां पर दिया है 3 मीटर. और उसके बाद हमने यहां से लेके ऊपर की तरफ जा रहा है पॉइंट सी की तरफ, और बी से लेकर सी तक का हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 4 मीटर. ओके, तो इस तरह का हमारे पास एक डायग्राम था. तो हमने लिखा था कंसीडर अ बॉडी मूविंग एज शोन इन द फिगर. तो ए वाज द इनिशियल पोजीशन, बी वाज द पोजीशन आफ्टर सम टाइम, एंड सी वाज द फाइनल पोजीशन. नाउ लेट अस कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी. तो अभी आप जो ये ब्लू लाइन देख रहे हैं ए से बी और बी से सी, हमें इस पूरे जो सिस्टम का हमें डिस्टेंस निकालना है. तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी विल बी डिस्टेंस, डिस्टेंस का सिंबल होता है एस. तो डिस्टेंस विल बी एस ए बी, मतलब डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी. तो डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी. तो डायग्राम के अनुसार डिस्टेंस ए बी है 3 मीटर और डिस्टेंस बी सी है 4 मीटर. ठीक है, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि डिस्टेंस का डेफिनेशन था एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी. ठीक है, फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल,
मतलब A से C का हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया, तो फाइनली हमारा डिस्टेंस आता है 7 मीटर। ठीक है, अब हमें इसी डायग्राम का डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। ध्यान रहे A was the starting point and C was the end point, okay, या final point। तो अब हमें यहाँ पे displacement निकालना है। तो displacement का अभी हमने थोड़ी देर पहले definition देखा। It is a straight line path drawn from the initial position to final position। तो आप देख रहे होंगे मैंने red pen से यहाँ पर, ठीक है, A position से C position तक के एक straight line draw की है। और यही हमारा होगा displacement। तो चलिए अब हम इस डायग्राम का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। The corresponding displacement will be AC, ठीक है? अब क्योंकि अब हम देख रहे हैं यहाँ पर डायग्राम एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अब हम लगाएंगे, क्योंकि हमें बाकी दो साइड्स पता है, तीसरा साइड हमें पता नहीं है, तो हम लगाने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, तो अब हम देख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट बिकम्स 9 प्लस 16, दैट आल्सो बिकम्स 25। अब AC स्क्वायर 25 आया है, तो AC आएगा 5। ओके, तो AC या डिस्प्लेसमेंट अब हमारा हो जाएगा 5। नाउ यहां पर अब हम दोनों की वैल्यूज को एक बार कंपेयर करते हैं। यहां पर देखिए केस 1 में हमारा डिस्टेंस आया था 7 मीटर, the actual part traveled by the body, जबकि केस 1 में ही हमारा displacement आया है 5 meter, तो displacement distance से छोटा आया है, so in this case the displacement is less than distance traveled, ठीक है? तो ये था हमारा केस 1। अब हम देखते हैं इसी का same example का केस 2, पर यहाँ पर फर्क ये होगा, now the body will be traveling in a straight line, तो केस 2 में हम देख सकते हैं consider body moving in a straight line, तो आप देख सकते हैं body हमारी एकदम straight line में हो गई, A से B same example लिया है हमने 3 meter और B से C हो जाएगा 4 meter, ठीक है? तो अभी हमें फिर से इस diagram का distance और displacement निकालना है, तो distance covered by the body will be same as previous, okay? तो देखो distance कैसे निकालेंगे, total distance, distance of AB plus distance of BC and that is equal to 3 मीटर प्लस 4 मीटर, तो यहां पर भी हमारा डिस्टेंस आता है 7 मीटर। देखिए इस केस में भी हमारा डिस्टेंस आ रहा था 7 मीटर और इस केस में भी हमारा डिस्टेंस आ रहा है 7 मीटर। ओके, अब हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो देखिए ए से लेकर सी तक यही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ओके, so the corresponding displacement will be AC। तो AC क्या होगा, देखिए A से B 3 मीटर है और B से C क्या है आपका 4 मीटर, तो फाइनली हमने दोनों को ऐड कर दिया, तो हमारा यहां पर AC आ जाता है 7 मीटर। देखो AC is equal to, okay, displacement is equal to that is 7 मीटर। इस केस में अगर आप एक चीज नोटिस करो, यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है उन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, इसलिए हम बोल सकते हैं In this case, displacement is equal to distance traveled. तो अभी हमने दो example, दो cases देखे, दोनों cases से कुछ सीखने को मिल रहा है। Case one में हमें ये सीखने को मिल रहा था कि displacement was less than distance traveled, जबकि case two में हमें सीखने को मिल रहा है distance displacement is equal to distance traveled. Okay? एक बार फिर से मैं repeat कर देता हूँ। केस 1 में हमने देखा डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड और केस 2 में हमने देखा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो फाइनली एक जनरल पॉइंट बना लेते हैं हम लोग, इन जनरल द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो या तो डिस्टेंस से छोटा होगा या डिस्टेंस के बराबर होगा, बट हां डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। रिपीटिंग, डिस्प्लेसमेंट आपका कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का खुद का डेफिनेशन था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो लॉन्गेस्ट कैसे बन सकता है। इसीलिए ये बात फिर से देख लीजिए,
displacement is always less than or equal to distance traveled, but displacement cannot be greater than distance traveled. Okay, तो ये था explanation of the terms distance and displacement with suitable example. Okay, students, distance और displacement के ऊपर एक question already board में आया था. Question था, an object has moved through a distance, can it have zero displacement? If yes, then support your answer with example. Okay, तो हमसे पूछा है, अगर बॉडी ने हमें बोला है कि बॉडी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो क्या उसके पास जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? तो चलिए पहले अपन एग्जांपल देखते हैं, देन वी आंसर दिस क्वेश्चन. तो मान के चलिए एक पर्सन ने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है, वो एक पर्टिकुलर हाइट से ऊपर जा रहा है, तो मैंने उस हाइट को ले लिया है h. अब यहां पर डायरेक्शन के लिए लेकर मैंने लिख दिया h था, ठीक है. अब जितनी हाइट पे आपका बॉल गया वापस उतनी हाइट से वो नीचे आएगा, ठीक है, सेम हाइट. इसलिए मैंने यहां पे बस एक सिंबल के तौर पे लिख दिया h डाउन. तो जितनी हाइट बॉल ऊपर जाएगा उतनी हाइट बॉल नीचे आएगा. तो एग्जांपल में कैसा लिखा था, सपोज अ पर्सन थ्रोस अ बॉल अपवर्ड थ्रू अ हाइट h एंड कैचेस बैक द बॉल. ओके, सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल, चलिए अब हम इस बॉल का डिस्टेंस कवर्ड निकालते हैं. तो डिस्टेंस कवर्ड का डेफिनेशन ऑलरेडी देख चुके थे, एक्चुअल पार्ट ट्रैवल बाय द बॉडी. ओके, तो बॉल ने स्टार्ट किया था ग्राउंड से, वो अचीव किया था उसने हाइट h, फिर वापस वो उस हाइट से नीचे आया, तो दो बार हाइट कवर किया है बॉल ने, इसलिए डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल हो गया s इज इक्वल टू h अप, दैट इज h और b प्लस h डाउन, ठीक है, मतलब h प्लस h, इसीलिए हमारा डिस्टेंस हो गया 2h. ओके, Now let us calculate the displacement. अब displacement का definition ये था कि it is the shortest distance or a straight line path between the initial and the final position. आज देखिए ball को हमने ground से ही throw किया था और वापस वो ground पे ही आया. जहाँ से हमने उसे throw किया था वापस वहीं आ गया. तो initial point भी वही, final point भी वही. इसीलिए अब आपका ball का displacement क्या हो गया? Zero. हमने लिखा भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज जीरो, रीजन सिंस द बॉल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. तो आप इसी एग्जांपल से देख लीजिए, बॉल ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है 2h पर उसका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है जीरो. तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, इफ द ऑब्जेक्ट इफ द बॉडी हैज ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट. तो अब हमारा आंसर होगा यस. ओके, तो ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. आज की क्लास में हमने स्टार्ट किया था व्हाट इज रेस्ट, उसके बाद हमने देखा था मोशन, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. उसके तुरंत बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं. तीन तरह के मोशन हमने देखे, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और ऑसिलेटरी मोशन. उसके बाद हमने फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप देखे, हमने दो टाइप्स देखे, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज. उसके बाद हमने हमारे चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट दो बेसिक कंसेप्ट देखे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसको हमने एक्सप्लेनेशन के टर्म में भी देखा और फाइनली हमने उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन का आंसर भी दिया. ठीक है, तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. थैंक यू.